हेलो एवरीवन, क्लास सेवेंथ के लिए जो हमारा चैप्टर चला हुआ है शॉर्ट्स इन एक्सेल, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, शॉर्ट इन एक्सेल में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी क्लास सेवेंथ के लिए स्पार्क लाइन के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टू क्रिएट स्पार्क लाइन, कि जो स्पार्क लाइन होती है आप उसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं। स्पार्क लाइन साइन जैसे इस तरीके से मैंने बताया भी था आपको कि जो स्पार्क लाइन होती है उसको आप क्रिएट किस तरीके से करते हैं और स्पार्क लाइन क्या होती है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था। जिस तरीके से आप एक्सेल शीट के अंदर डाटा फीड करते हैं, फीड करने के बाद आप चार्ट इंसर्ट करते हैं, उसी तरीके से आप स्पार्क लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। अब स्पार्क लाइन को क्रिएट करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप चाहिए और क्या है, अब देखें ध्यान से इसे समझें। जनरली यू विल हैव वन स्पार्क लाइन फॉर ईच रो। जैसे हमारी आप एक्सेल शीट ओपन करते हैं उसमें आपको रो और कॉलम नजर आएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 10 रो के अंदर आपने मेडल लिखा है, वो कॉलम आपने 10 ली है, 10 रो और 10 कॉलम है आपके पास। जनरली यू विल हैव वन स्पार्क लाइन फॉर ईच रो, कि हर एक लाइन के अंदर एक ही स्पार्क लाइन आप इंसर्ट करते हैं जो जनरली देखने में आता है, ठीक है। बट लेकिन यू कैन क्रिएट एज मैनी एज यू वांट इन एनी लोकेशन यू वांट। आप अपने तरीके से भी स्पार्क लाइन को मीन्स एक से ज्यादा इंसर्ट कर सकते हैं, जो लोकेशन जो जगह जहां पे आपने उसको इंसर्ट करना है वहां पे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप कौन से सेल के अंदर इसको कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक फार्मूला लगाना आना चाहिए। तो यहां पे क्या कहता है, जनरली मीन्स आमतौर पर तो आप देखते हैं तो एक रो के अंदर एक ही स्पार्क लाइन देखने में नजर आती है, लेकिन आप अपने तरीके से एक ही रो के अंदर आप मैनी टाइप्स ऑफ स्पार्क लाइन यू कैन इंसर्ट एट एनी लोकेशन, जहां पे आप चाहते हैं किसी भी लोकेशन किसी भी कॉलम के अंदर सेल के अंदर आप स्पार्क लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक विद ए फार्मूला, जैसे एक फार्मूले की तरह, फार्मूले में हम देखते हैं एक सेल के अंदर आप फार्मूला लगाते हैं, ये कोई कंपल्सरी नहीं होता कि टोटल के बाद ही आपने फार्मूला लगाना है, नहीं। फिर सिर्फ क्या होता है, एक फार्मूला लगाने के आपको एक स्टेप एक तरीका होता है आप किस तरीके से उसको लगाते हैं, उसी तरीके से जैसे एक फार्मूला लगाते हैं इट्स इजर टू क्रिएट ए सिंगल स्पार्क लाइन, बिल्कुल आसान है जैसे आप फॉर्मूला लगाते हैं ना, बिल्कुल आसान है टू क्रिएट ए सिंगल स्पार्क लाइन एंड देन यूज द फिल हैंडल। क्या कहता है ये कि आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने 10 कॉलम आपने या 10 रो आपने ली है, 10 रो के अंदर आपने मैटर लिखा है, कोई जरूरी नहीं है, जैसे आप क्या करते हैं एक ही सेल के अंदर आप फार्मूला लगाते हैं उसके बाद वही फार्मूला आप नीचे इंसर्ट कर देते हैं या फिल हैंडल के साथ हम नीचे डाउनवर्ड करते हैं उस फॉर्मूले को, तो ऑटोमेटिक जो बाकी रिमेनिंग आपकी रो होती हैं उसमें वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक ही लग जाता है, ठीक है, या अप्लाई हो जाता है। तो इसी तरीके से आप स्पार्क लाइन में भी, कि बिल्कुल आसान है टू क्रिएट ए स्पार्क लाइन, स्पार्क लाइन सिंगल स्पार्क लाइन को क्रिएट करना बिल्कुल आसान है एंड देन यूज द फिल हैंडल, और उसके बाद आप क्या करेंगे फिल हैंडल का यूज करेंगे टू ऑटोमेटिकली क्रिएट ए स्पार्क लाइन फॉर द रिमेनिंग रोज, कि ऑटोमेटिकली स्पार्क लाइन क्रिएट करने के लिए जो आपकी रो बकाया रह जाती हैं उसमें भी आप स्पार्क लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब ये स्टेप मैं आपको बताता हूं, ध्यान से यहां से जरूर देखें। मान लीजिए आपने क्या किया, एक सिंगल सेल के अंदर आपने स्पार्क लाइन को एक फॉर्मूले को क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद आप क्या करते हैं फिल हैंडल का आप यूज करेंगे। फिल हैंडल क्या है,
मान लीजिए इस तरीके एक साइन सा नजर आएगा, ठीक है, तो उसको आपने क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको नीचे की तरफ आप मूव करेंगे तो जो आपकी रिमेनिंग रो है उसके अंदर जो स्पार्क लाइन है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां पे क्या है कि मान लीजिए आपने 10 रो ली है तो सभी 10 की 10 रो में आपने स्पार्क लाइन को नहीं क्रिएट करना, आपने केवल एक रो के अंदर स्पार्क लाइन, एक सेल के अंदर स्पार्क लाइन को क्रिएट करना है। उसके बाद हम फिल हैंडल का यूज करेंगे, जैसे ही फिल हैंडल पे क्लिक करने के बाद हम उसे डाउनवर्ड करते हैं तो हमारी जो रिमेनिंग रो रहती है उसमें वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक ही अप्लाई हो जाता है, आपकी जो स्पार्क लाइन है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी, ठीक है। तो टू द स्टेप टू क्रिएट ए स्पार्क लाइन, आपने स्टेप देखने हैं, अगर आपने स्पार्क लाइन को क्रिएट करना है तो आपको स्टेप ध्यान से देखें। स्टेप वन क्या है, यहां पे क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, सबसे पहले तो हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, पहला काम आपका यही रहेगा, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। यहां पे मैंने जो एरो साइन दिया है आप इसकी जगह स्टेप टू भी लिख सकते हैं। तो पहला काम क्या है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे इन द स्पार्क लाइन ग्रुप, उसके बाद आपके सामने एक स्पार्क लाइन ग्रुप आएगा, वहां पे जाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे लाइन को, समझ गए। सबसे पहला काम क्या है, इंसर्ट टैब में क्लिक किया, उसके बाद में स्पार्क लाइन ग्रुप आएगा आपके सामने, उसके बाद आप लाइन पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद स्टेप आप इसमें भी स्टेप टू इसको लिख सकते हैं, स्टेप थ्री आप इसको लिख सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेप टू के अंदर सेलेक्ट द डाटा रेंज एंड क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू स्पार्क लाइन टू बी। अब ये कहता है किस, आपने सेलेक्ट द डाटा रेंज, आपने डाटा रेंज को सिलेक्ट करना है, मीन्स आपने स्पार्क लाइन को कहां से कहां तक लेके जाना है, ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू द स्पार्क लाइन, और उस सेल पे क्लिक कर देना है, मीन्स स्टार्टिंग सेल आपका मान लीजिए A4 है, ठीक है। तो आपने मान लीजिए A4 पे क्लिक किया और उसके बाद या A1 आपका स्टार्टिंग सेल है, उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे ही आपने A1 पे क्लिक किया लास्टली आप जहां तक आप स्पार्क लाइन को लेके जाना चाहते हैं वहां पे भी क्लिक करें, मीन्स A10 पे क्लिक कर देंगे, सॉरी A10 आपका A10 नहीं रहेगा, कॉलम नंबर मान लीजिए आपका E है, रो नंबर 1 है, तो उसी कॉलम के अंदर रो नंबर 10 पे भी क्लिक कर देंगे, तो आपकी जो डाटा रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी और क्लिक कर देंगे ओके बटन पे, ठीक है। स्टेप थ्री में क्या करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग द फिल हैंडल विद द डाउनवर्ड, अब क्लिक करेंगे फर्स्ट चाइल पे, क्लिक करने के बाद ड्रैग कर देंगे जो फिल हैंडल के साथ नीचे की तरफ आप डाउनवर्ड कर देंगे तो जो रिमेनिंग रो है उसके अंदर स्पार्क लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो ये तरीका है, ये आप स्पार्क लाइन किस तरीके से एक रो के अंदर किस तरीके से आती है, आप किस तरह से उसको इंसर्ट करते हैं स्पार्क लाइन को या क्रिएट करते हैं, ये इस लेक्चर में हमने आपको बताया है। आपने इसको फेल कॉपी में अच्छे से उतारना है और ध्यान से इस वीडियो को देखना है, समझना है। इसके बाद जो आपके कुछ क्वेरीज जरूर रहेंगी इससे रिलेटेड, तो आपको जैसे ही हमारे स्कूल ओपन होते हैं तो आपको प्रैक्टिकल के साथ ये सारी बातें समझाई जाएंगी, उस टाइम आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे ने इसे ध्यान से समझा होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।